मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। नोएडा के पथ विक्रेताओं के आग्रह पर स्वामी विवेकानंद ग्रामीण विकास सहयोग संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी समस्त पदाधिकारियों के साथ उनके बीच पहुंचे। सभी पथ विक्रेताओं ने पुलिस व प्राधिकरण के द्वारा हो रहे उत्पीड़न से अवगत कराया, जिसके बाद सभी पथ विक्रेताओं को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम तिवारी ने कहा कि एक ओर जहां आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के पेट पर प्रहार करना बहुत ही निंदनीय है, और आश्वासन दिया कि पथ विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत देंगे तथा अति शीघ्र निराकरण की मांग करेंगे, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। देखिए पत्रकार राजा की खास रिपोर्ट में। यहाँ वर्कर्स सर्कल जो है, जो नोएडा प्राधिकरण ने जो दुकानदारों को जो जगह बुकड़ की थी, उस जगह पर लगभग इनसे बातचीत करते हैं, इनका रोजगार किस तरीके से कर रहे हैं। लगभग काफी लोग हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, जो परेशान हैं, जो खड़ी हुई है। इन्होंने अपनी समस्या बताई थी, ये गाड़ी काफी समय से खड़ी हुई है। हम दुकान लगाए तो आखिर किस तरीके से लगाए, यहाँ पे जो दुकानदार दुकान लगाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? संपूर्ण कुमार पाटिल। आपको कब से आवंटन की गई थी ये जगह? हो गया 3-4 महीने साहब, लेकिन कोरोना के चक्कर हम लोग गांव गए थे, अब आए हैं तो देख रहे हैं कोई काम धंधा पहली बात नहीं है। 100-200 रुपए की दिन भर में दुकानदारी होती है, ना उससे हमारा रोटी चल पा रहा है, ना हमारे बच्चों का पेट। और कोई समस्या हो यहाँ पर पानी वगैरह की? कोई कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं, ना बाथरूम की, ना पानी की, ना बिजली की, कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर आप रोजगार कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? कैसे चलता है आपका? ऐसे ही चल रहा है साहब। पहली बात तो कोरोना में काम नहीं है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है रोड पे। इस रोड पे एकदम सुनसान एरिया है, जहाँ पे हमें वेंडर जोन दिया गया है, और दूसरे ऊपर से गाड़ियों का भी ये सिस्टम है, और यहाँ पे काम धंधे का बिल्कुल नाम ही नहीं है। यहाँ पर जो पथ विक्रेता है, उनकी समस्या सुनने के लिए स्वामी विवेकानंद ग्रामीण सहयोग संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर इतनी गर्मी में धूप में यहाँ पर आए हुए, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर लोग आए हुए सर, क्या समस्या है लोगों की? यहाँ पे समस्या ये है कि वेंडर जोन के नाम पे जिस प्रकार से ठगा गया है मजदूरों को, पथ विक्रेताओं को, बहुत ही दर्दनाक है। अभी यहाँ की स्थिति आप देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाण यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से स्थिति है। यहाँ पे जहाँ पे रेडी पेटी लगाने की जगह है, वहाँ पे टेम्पो खड़े हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के, और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए हम इनके बीच में आए हुए हैं, और संबंधित अधिकारियों को हम लिखित इसकी शिकायत देने वाले हैं, मोहताजी करेंगे कि इस पे तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा फिर विकल्प के विषय पर सोचा। देश विदेश की सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहे आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।